श्री गुरु सिंह सभा ने सलाना दीवान धूमधाम के साथ निकाला। इस ऐतिहासिक सलाना दीवान का आयोजन पिछले 106 वर्षों से किया जा रहा है। सलाना दीवान आयोजन के अवसर पर गुरु नानक फिफ्थ सेंडनरी स्कूल के छात्रों ने बैंड वादन प्रस्तुत किया। इससे पहले गुरुद्वारा लंठौर में अखंड पाठ आयोजित किया गया। सलाना दीवान नगर कीर्तन के साथ घंटाघर माल रोड होते हुए गुरुद्वारा गांधी चौक पहुंचा, जहां पर सलाना दीवान सजाया गया। इस मौके पर श्री गुरु सिंह सभा के अध्यक्ष एमपीएस खुराना ने कहा कि सलाना दीवान बड़े धूमधाम के साथ मनाया जाता है। इसमें सभी धर्म के लोग शामिल होते हैं और बैंड बाजों के साथ नगर कीर्तन निकाला जाता है। यह ऐतिहासिक सलाना दीवान है और 106 वर्षों से इसका आयोजन किया जा रहा है। और ये जो आज आप देख रहे हैं नगर कीर्तन, 106 साल का ये नगर कीर्तन निकाला जा रहा है। इसमें सारे धर्मों के लोग शामिल होते हैं। ये बड़े उत्साह से मसूरी में मनाया जाता है और सुबह से ही गुरुद्वारा साहब में कीर्तन दीवान सजाए गए, जो जिसका 11 बजे भोग डाला गया। 11 बजे के बाद गुरु का अतुट लंगर बरताया गया, जिसमें कि सब धर्मों के लोगों ने गुरु का लंगर ग्रहण किया है, प्रसाद ग्रहण किया है। ये हम हर वर्ष अपना स्थापना दिवस, अपना सालाना दीवान मनाते हैं। हमारे गुरुद्वारे की स्थापना को 106 साल हो गए हैं और हर साल सितंबर के आखिरी शनिवार को नगर कीर्तन निकाला जाता है। नगर कीर्तन गुरुद्वारा साहब लंडौर से चलकर लाइब्रेरी गुरुद्वारे तक जाएंगे। ये हम शाम को लगभग 6-6:30 बजे लाइब्रेरी गुरुद्वारे पहुंच जाएंगे। वहां नगर कीर्तन की समाप्ति की जाएगी। सुबह से आज गुरुद्वारा हॉल में कीर्तनी जत्थे अपना पाठ कर रहे थे, पाठ पूजा से शुरू हुआ। ये कल तक चलता रहेगा। आज शाम को दीवान लाइब्रेरी गुरुद्वारे में सजाया जाएगा। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।